फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पोहे की चिवड़ी की रेसिपी, जिसे हम नैनोल का पोहा भी कहते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पोहे का चिवड़ा। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पोहे लेकर उसे 8 से 10 मिनट तक भुनना है। पोहे को भुनते वक्त ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम मीडियम हो। पोहे को तब तक भुनना है जब तक पोहा कड़क ना हो जाए। हमारा पोहा जितना अच्छा बुना जाता है उतना हमारा चिवड़ा टेस्टी लगता है। पोहे को इसी तरह से हल्के हाथों से हिलाते रहिए। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि पोहे का कलर हल्का सा ब्राउन हो चुका है। आप इसे हाथ में लेकर भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से तोड़ के देखिए। अगर ये आसानी से टूट जाए मतलब हमारा पोहा अच्छी तरह से बुन चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसी पैन का यूज करना है। दोबारा 10। अब उसी पैन में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। ये देखिए हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पीनट्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी पीनट्स का इस्तेमाल किया है। पीनट्स को भी हल्का ब्राउन कलर का होने तक भूनते रहिए। इस तरह से हल्के हाथों से इसे हिलाते रहिए। ये देखिए ये जो हमारे पीनट्स है वो ब्राउन हो चुके हैं। इसे इतना ही ब्राउन कीजिए, ज़्यादा ब्राउन मत कर लीजिए। अब हम इसमें चना दाल डालेंगे, जिसे हम दालिया भी कहते हैं। चना दाल को भी हम 2 से 3 मिनट तक इसे भूनते रहेंगे। अब हम इसमें ये काजू डाल देंगे। काजू को हमें हल्का ब्राउन कलर का होने तक ही भूनना है। ध्यान रखें कि काजू जल ना जाए क्योंकि काजू बहुत जल्दी से जलने लगते हैं। ये देखिए ये परफेक्ट ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसमें ये किशमिश डाल देंगे। अब ये करी पत्ता डाल दें। हरी मिर्च डालेंगे इसमें। अब ये तेल डालकर इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें ये सारे पोहे डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले डाल देंगे इसमें। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे हमने ग्रीन चिली का यूज किया है तो लाल मिर्च पाउडर कम ही डालेंगे। 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच शुगर डालेंगे हम, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर। अब इन सारे मसालों को हम पोहे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम पोहे को एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब